हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी आर डिस्कसिंग अवर न्यू चैप्टर कॉल्ड फ्रिक्शन एंड इट्स फोर्सेस, डायनामिक फॉर्म ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस आर गोइंग वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। दे आर मैनी टॉपिक्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड फ्रॉम विच देयर इज एन श्योरिटी ऑफ questions from this topic in our NVS or KVS or PGT exams. Frictional or frictional force, friction होता क्या है? जब कोई एक single body हो वो कहीं पर move करे, किसी surface पर move करे, तो यानी कि दो surfaces हो गई, तो वो surface smooth है या rough है, और वो कितना अपोजिट फोर्स लगाता है, यानी कि वो उसकी मोशन में कितनी रुकावट पैदा करता है, दैट इज़ कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स। व्हेन ए बॉडी मूव्स और टेंड्स टू मूव ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, इट मीन्स सरफेस है चाहे वो अनदर बॉडी का किसी भी चीज़ का हो, ए फोर्स कम्स इन टू प्ले विच एक्ट पैरेलल टू द सरफेस ऑफ कॉन्टैक्ट एंड opposes the relative motion. This opposing force is called frictional force. For example, in the diagram, contact of surface, direction of motion in the forward direction, so friction force in the opposite direction. If the direction of motion is in the backward direction, then contact of surface is on the backward side and frictional force in the forward direction. From this we can know that frictional forces is always opposite in direction. If it is equal to the force of motion, then the body stop moving. Concentrate on my words. If both forces balances, it means the body does not move. If frictional force is more than that, then also the body tries to move, no motion, and we have giving the excess force for their motion. If frictional force is less, then the body is in forward direction, keeping in the motion. Static friction, opposite force तो रहेगा ही, कब प्ले होता है? जब बॉडी रेस्ट में हो। ए फोर्स एक्ट टू मूव इट ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी लगेगा, बट बॉडी रेस्ट पे है, इसीलिए उस फ्रिक्शन को कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। इफ़ ए बॉडी इज एट रेस्ट, नो पुलिंग फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट, सो द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑन इट इज ज़ीरो, इट इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट टू द अप्लाइड फोर्स। तो सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स हो जाता है, तो ये अपने उस पर एज इट इज़ रहता है। लिमिटिंग फ्रिक्शन, अब बात आती है अप्लाइड फोर्स इंक्रीज किया जाएगा, फोर्स ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आल्सो इंक्रीज। इफ द अप्लाइड फोर्स एक्सीडेड अ सर्टेन मैक्सिमम वैल्यू, द बॉडी स्टार्ट मूविंग, मोशन पे तभी आती है जब उसका जो फोर्स उसकी उसको उसी स्टेट पे रखता है उससे ज़्यादा हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे, एक्सीड करेंगे, तभी वो बॉडी मूव करेगी। तो मैक्सिमम फोर्स ऑफ स्टैटिक फोर्शन अप टू द बॉडी डज नॉट मूव इज़ कॉल्ड, जब तक नहीं मूव करती देन इट इज़ कॉल्ड लिमिटिंग फ्रिक्शन, एक लिमिट हो जाएगी। द स्टैटिक फ्रिक्शन इज़ अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स विद एन अपर लिमिट, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है बट उसकी एक अपर लिमिट है, उसे हम कहेंगे लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, तो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटेगा, तो म्यू कांस्टेंट, उसको क्या कहेंगे, कोफिशियंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, ये क्लियर है। सेम एग्जाम्पल्स, कोई भी बॉडी का वेट है वो डाउनवर्ड एक्ट करेगा, रिएक्शन उससे अपोजिट अपर साइड में करेगी, और फोर्स हम उसे किसी डायरेक्शन में देंगे तो फ्रिक्शन फोर्स उससे अपोजिट। तो एफ एस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिएक्शन, तो एफ इज़ इक्वल टू म्यू एस इन टू आर, आर जो है वो वेट के इक्वल होता है एम जी, बट डायरेक्शन ही अपोजिट होती है। ठीक है,
तो हमारा जो म्यू एस है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन टू नॉर्मल रिएक्शन की रेशो होती है। सेम एग्जांपल दे दिया है, ए ब्लॉक ऑफ वेट डब्ल्यू रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन, ए फोर्स पी इंक्लाइंड एट एन एंगल थीटा टू द प्लेन इज अप्लाइड टू द ब्लॉक अंटिल इट नोन द मोशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स लग गया पी एट एंगल थीटा, तो उसका फॉरवर्ड डायरेक्शन में करेंगे तो पी कॉस थीटा बना। अब वेट नीचे एक्ट करता है और अपर डायरेक्शन में जहां रिएक्शन लगती है वो पी का साइन थीटा कंपोनेंट है, तो जो आर होगी वो डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा होगा, क्योंकि आर की साइड ही पी साइन थीटा कंपोनेंट है। तो आर प्लस पी साइन थीटा इज इक्वल टू डब्ल्यू, और आर निकालना है तो डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। तो हमारा जो आंसर आ जाएगा म्यू का वो पी कोस थीटा बाय डब्ल्यू माइनस पी साइन थीटा। ये हमारा हुआ कंपोनेंट्स डायरेक्शन और जो सिंपल फॉर्म ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स है जो लिमिटिंग फ्रिक्शन टाइप है। अब यही चीज़ काइनेटिक में आ जाए तो हम उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। इट इज़ एन अपोजिंग फोर्स दैट कम्स इन, अभी तक तो बॉडी एक लिमिट थी, स्टैटिक फोर्स को ओवरकम नहीं करती थी, तो वो क्या था लिमिटिंग फ्रिक्शन। अब अगर ये बॉडी उस फोर्स को ओवरकम करके मूव करना शुरू कर देती है, और उस टाइम जो सरफेस उसको अपोजिंग फोर्स तो सरफेस के हर एक पॉइंट से लगेगा, तो दैट इज कॉल्ड काइनेटिक फ्रिक्शन। When a body actually slide over the surface of another body and force of kinetic friction is directly proportional to normal reaction and the ratio of Fk to N is called coefficient of kinetic friction. तो हमारा वही चीज म्यू एस और म्यू के दो चीज़ें आ गई, काइनेटिक है तो के और म्यू एस है तो स्टेटिक। स्टेटिक इज मोर देन दैट ऑफ म्यू के, क्या म्यू के इज स्लाइटली लेस देन म्यू एस। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द रिलेटिव स्पीड, बट फॉर वेरी हाई स्पीड इट इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है जो सरफेस के कॉन्टैक्ट में आने का टाइम है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल हो जाएगा, इसीलिए वो आगे फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलता रहेगा। द काइनेटिक फ्रिक्शन अपोजिज द रिलेटिव मोशन एंड हैज़ अ कॉन्स्टेंट वैल्यू विच डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट्स। तो काइनेटिक फ्रिक्शनल डिपेंड करता, डज नॉट डिपेंड ऑन वेलोसिटी, वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं करता। तो इसी की रिएक्शंस हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया, तो ये चीज रोलिंग में भी होगी, जब स्लाइड डाउन करेगा तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है, जब बॉडी रोटेशन में होगी तो अपोजिंग फोर्स कम्स इन टू प्ले। वेन ए बॉडी ऑफ अ सिमेट्रिक शेप यानी कि व्हील टाइप की होगी रोल्स ओवर द सरफेस ऑफ अनदर बॉडी, देन इट इज कॉल्ड रोलिंग फ्रिक्शन। एफ आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टू आर रेशो, तो जो म्यू आर है रोलिंग वाला वो सबसे कम होगा, काइनेटिक वाला उससे ज़्यादा होगा और स्टैटिक वाला उससे भी ज़्यादा। सेम एक न्यूमेरिकल आर है जिसमें एक हॉकी पक इज गिवन एन इनिशियल स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड ऑन ए फ्रोजन पोंड, शोन किया गया है ये, द पक रिमेन्स ऑन द आइस एंड स्लाइड 120 मीटर, डिस्टेंस दे दी है 120 मीटर बिफोर कमिंग टू रेस्ट, फाइंड द कोफिशियंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन एंड द पक बिटवीन द पक एंड आइस। काइनेटिक फ्रिक्शन का फोर्स निकालना है, इनिशियल स्पीड 20, फाइनल वेलोसिटी 0, डिस्टेंस 120, एक्सेलरेशन वी स्केयर माइनस यू स्केयर इज इक्वल टू 2as, पुटिंग द फॉर्मूला 0 इज इक्वल टू 20 स्केयर प्लस 2 इंटू ए इंटू 120, तो दैट इज a इज इक्वल टू माइनस 1.67। इट मीन्स अपोजिंग डायरेक्शन में है, तो फोर्स इज इक्वल टू रिएक्शन इज इक्वल टू mg, हमें दे रखा है नहीं दे रखा, तो हमें क्या निकालना है कोफिशियंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू के। म्यू के किसके इक्वल था, एफ टू आर, यही है, तो उसी में हमें सारा दोनों बैलेंस कर रहा है, तो R इज इक्वल टू वेट दैट इज इक्वल टू जीरो, तो एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू आर दैट इज इक्वल टू एम इंटू जी। इट मीन्स म्यू के एम जी दोनों को बैलेंस करेगा तभी जीरो होगा, तो दैट इज इक्वल टू मास
इनटू एक्सेलरेशन, दोनों साइड से मास ख़त्म, तो म्यू के की वैल्यू आ जाएगी। सेम प्रॉब्लम है नेक्स्ट, यू कैन सोल्व दैट प्रॉब्लम। एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? ये एंगल है थीटा, जो नॉर्मल रिजल्टेंट आर एंड द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन एंड नॉर्मल रिएक्शन एन सब्सटेंस विद द नॉर्मल रिएक्शन। एक तुम्हारा एन होगा, एक तुम्हारा एफ होगा, उनके बीच का रिजल्टेंट आर होगा, वो जो एन के साथ एंगल बनाता है दैट इज़ कॉल्ड एंगल ऑफ फ्रिक्शन। नेक्स्ट आता है एंगल ऑफ रिस्पॉन्स, ये लीस्ट एंगल है जो इंक्लाइंड प्लेन का होता है विद द हॉरिजॉन्टल, सच दैट द गिवन बॉडी प्लेस्ड ओवर द प्लेन। सो हमारा जो सरफेस है वो ऊपर चला जाएगा। तो जैसे ये एंगल फाई बना दिया है, तो इससे जो वेट है वो पहले जो डाउनवर्ड एक्ट करना था एम जी पे लगेगा, तो एम जी पे, बट उसके साथ जो एंगल फाई कंपोनेंट में कन्वर्ट हो जाएगा तो वो वेट के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, एम जी कोस फाई एंड एम जी साइन फाई। तो रिएक्शंस उसकी एन की फॉर्म में लगी नॉर्मल, एंड एफ वन उसका अपोजिंग फोर्स, तो एफ वन इज इक्वल टू एम जी साइन फाई और एन इज इक्वल टू एम जी कोस फाई। एफ वन टू एन दैट इज इक्वल टू टेन फाई, तो दैट इज इक्वल टू टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू म्यू एस स्टैटिक फ्रिक्शन। इतना हुआ हमारा एक पार्ट। नेक्स्ट टाइम जब हम क्लासेस के डिस्कस करेंगे तो हमारे उसमें रफ इंक्लाइंड सरफेसेस में किस तरह से हमारी बॉडी मूव करेगी उसका डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर टुडे, थैंक यू, कीप वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग।